हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट फॉर ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस वीकली चार्ट बस्टर्स के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप्स में मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे इसी तरीके से वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है वो पर्टिकुलर स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आने वाले समय का बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। जैसे आपको पता है मैं सिंपल तरीके से एनालिसिस करता हूँ, सिंपल तरीके से चीजों को देखते हैं और चीजों को समझते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस यहाँ पे बार बार एक सपोर्ट एरिया का बेस बनाता है और उसी एरिया से हमें यहाँ पे प्राइस बाउंस करता हुआ दिखता है। देखिए प्राइस यहाँ पे क्या किया है, इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी एरिया को देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकआउट करा है, रिटेस्ट करा है, यहाँ से बाउंस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट करा है, दोबारा से यहाँ पे प्राइस ने बाउंस करा है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं सिंपल तरीके से एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा। इस तरीके से मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्क कर लूंगा। यस, इस तरीके से अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो आने वाले समय में मुझे यहाँ पे एक टारगेट दिख रहा है जो कि काफी बड़ा टारगेट है, और वो टारगेट होगा हमारा ये वाला एरिया 223% के आसपास। यहाँ पे ये चार्ट मुझे ब्यूटीफुल क्यों लग रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। इस तरीके से अगर आप इसके रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लें, देखिए प्राइस ने यहाँ पे रिसेंटली ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसका 2018 का, यानी कि 6 साल बाद इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक करा है। प्लस एक बार को अगर हम यहाँ पे इसके वॉल्यूम चेक कर लें तो आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे। पिछले अपने जितने भी वॉल्यूम देख रहे हैं ना, यहाँ पे रिसेंटली भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिए 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक करा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्राइस किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। प्राइस इस तरीके से कुछ कर सकता है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चला जाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके का कुछ हो सकता है। जैसे भी प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, प्राइस यहाँ से एक दिन और ऊपर मूव करेगा, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करे, उसके बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ देखिए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा। ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए मैंने 16 नंबर के आसपास 465 पे शेयर करा था, मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए तो आई होप आपने देख लिया, और इस एरिया से देखिए प्राइस ने अभी तक कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, ओनली 43% का रिटर्न है। ठीक है, आने वाले समय में ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। यही था वो पर्टिकुलर स्टॉक जो मैं इस वीकली चार्टबस्टर्स के एपिसोड में आप लोगों के लिए लेके आया था। जैसा आपको मैंने बताया, मेरी अल्टीमेट टारगेट तो मेरे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये वाले एरियाज होंगे, जो कि होता है हमारा 2100 के आसपास का एरिया। और अगर हम यहाँ पे डेप्थ को मेजर करके देख ले इसका कितना परसेंट का फॉल था यहाँ पे इसका, नियर अबाउट 90%। तो अगर 90% में हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाते हैं तो एक बार को प्राइस इन एरियाज तक पहुंच सकता है। वो कौन से एरियाज हो जाएंगे, वो ये एरियाज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राइस एक बार को इन एरियाज तक पहुंच सकता है डेप्थ के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पे स्विंग के टारगेट कुछ आप लोगों को दे दे तो हमारे जो पहले टारगेट होंगे वो होंगे 746, सेकंड टारगेट होगा हमारा 858, थर्ड टारगेट होगा हमारा 982 एंड फाइनल टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 1107 का। और जो फाइनल हमारे टारगेट हो जाएंगे वो होंगे ये वाला एरियाज। तो यही वो पर्टिकुलर स्टॉक था जो मैं इस वीडियो में वीकली चार्ट बस्टर्स एपिसोड में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।